Hello friends, this is CMA Nikhil Power. But taking initiative to teach indirect tax subject for executive student under new syllabus 2016. So basically apna purpose ye rehne wala hai ki those who are doing the jobs but want to take this degree also, तो उनके लिए नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट आर रिसीव टू मी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई हैड डिसाइडेड टू टेक इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड. सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूल जो रहेगा मीन्स मैट इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ वो हम लोग फोकस करेंगे. तो आई विल ट्राई टू रीड एज वेल एज टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. सो बिकॉज वो इशू आते हैं, क्लियर है, तो हम लोग मॉड्यूल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे. सो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, सो अंडर दिस न्यू सिलेबस, सॉरी 80% जो सिलेबस रहने वाला है वो जीएसटी के ऊपर डिपेंड है और रिमेनिंग 20% दैट इज 20 मार्क्स का विल बी बेस्ड ऑन कस्टम्स, बिकॉज कस्टम में तो कुछ चेंजेस नहीं हुए है. तो जीएसटी जो अभी आया है जुलाई 2017 से, तो बेसिकली उसको फोकस किया है. एंड एज यू नो दैट कि ये जो सिलेबस है जीएसटी, ये आपके लिए को प्रैक्टिकली आल्सो इम्पोर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों को जीएसटी ऑडिट करने का राइट्स भी अंडर जीएसटी एक्ट, बिकॉज ऑफ दैट दिस सब्जेक्ट पर्टिकुलर इज वेरी वेरी यूजफुल. So introduction, registration is most fundamental requirement for identification of taxpayers of taxpayer ensuring tax compliance in the economy. Registration lena zaruri hai because taxpayer ko pata hona chahiye ki uska tax compliance ka liability kya hai. Without registration a person cannot neither collect tax from his customer nor claim any input tax credit of tax paid by. दो इम्पोर्टेंट रीजन है बिहाइंड टेकिंग अ रजिस्ट्रेशन. फर्स्ट, अ पर्सन कैन नाइदर कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिज कस्टमर, मैं लगा कर ही नहीं दे सकता अनलेस एंड अंटिल आई हैव जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन. एंड सेकेंड, आई कुड नॉट टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट. बराबर, जो लोग सामने वाले एंड द टाइप ऑफ परचेसिंग रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स जो मेरे को बाकी लोग जीएसटी लगा के देंगे उसका मैं क्रेडिट नहीं ले सकता. बिकॉज ऑफ दिस टू रीजन वी हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन. Registration of any business entity under GST law implies obtaining a unique number from the concerned tax authority for the purpose of collecting tax on behalf of government and to avail input tax credit for the taxes on his inward surplus. Second, advantages. Following are the advantages to taxpayer who obtain registration under GST. First, he is legally recognized as supplier of goods or services or both. लीगली रिकॉग्नाइज हो जाता है कि दिस पर्सन कैन चार्ज जीएसटी और सप्लाई गुड्स. ही इज लीगली ऑथराइज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम हिज कस्टमर, जैसे पहले बोला. सेकेंड, क्रेडिट भी ले सकता है जो परचेस करता है. थर्ड, ही कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड एंड कैन यूटिलाइज द सेम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यू ऑन सप्लाई गुड्स और सर्विस. जो मेरा लाइबिलिटी रहेगा वो यूटिलाइज करने के लिए मैं ITC भी ले सकता हूँ. सिंपलेस्ट फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, वही बात फिर से चार बार बता दीजिए. रजिस्टर पर्सन इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट बिड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स और असाइनमेंट. बहुत बार कंपलसरी किया जाता है कि जीएसटी नंबर है या नहीं टू टेक बिड्स और कॉन्ट्रैक्ट और असाइनमेंट टेंडर वगैरह, तो उसके लिए काम में आ सकता है. रजिस्टर पर्सन अंडर जीएसटी कैन इजीली गेन ट्रस्ट फ्रॉम कस्टमर. और इफ यू हैव द जीएसटी नंबर तो सामने वाले पर्सन को कहते नहीं बंदा लॉ फॉलो कर रहा है. तो दिस आर ऑल्सो वन रीजन बिहाइंड टेकिंग रजिस्ट्रेशन. एक्सेप्शन ऑफ वन रजिस्ट्रेशन फॉर वन स्टेट. तो एक्सेप्शनल क्या, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन परमिटेड फॉर सेपरेट बिजनेस वर्टिकल्स. अभी बिजनेस के वर्टिकल कैसे, इसके ऊपर आपके रजिस्ट्रेशन डिपेंड रहेगी. वन एज एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अदर फॉर आउटवर्ड सप्लाई. ISDB के कंसेप्ट रहने वाला है वो एक मैं बताऊंगा आपको क्या रहता है. ठीक है,
एग्जाम्पल दिया इसके लिए, एप्पल मैन्युफैक्चर कंप्यूटर टेबल टैबलेट सॉरी फोन्स हेडफोन्स म्यूजिक प्लेयर्स एंड मोर. मैनेजमेंट एट एप्पल कैन डिवाइड द ओवरऑल कंपनी परफॉर्मेंस इनटू स्मॉलर सेगमेंट बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स टू मेजर वेयर द कंपनी इज सक्सेसफुल. करेक्ट. सो नोट इट इज सिमिलर टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 दैट इज बिजनेस सेगमेंट. Section 22, subsection 1. Every supplier shall be liable to be registered under GST other than special category states. जो कुछ supply concept is here. तो जो कुछ supply किया तो वो register person liable है GST के लिए. From where he makes a taxable supply of goods and services or both. वो supply में इधर goods ही होगा और उसके साथ service भी होगा और दोनों भी एक साथ होगी. इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन फाइनेंशियल ईयर एक्सेस रुपीज 20 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी 10 लाख स्टेट्स के लिए तो ही इज रिस्पॉन्सिबल टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. क्लियर है. मीन्स ये पॉइंट को हम लोग अंडरलाइन करेंगे कि जो 20 लाख का रहेगा टैक्सेबल सप्लाई, इसको एक अंडरलाइन होगा आपके नोट्स में एक्सीडेंट 20 लाख एवरी सप्लाई, तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है. लेकिन जो कुछ स्टेट से 10 लाख उनके लिए लिमिट है, तो अभी ये कौन से स्टेट से बेसिकली दीज आर द स्टेट्स विच आर वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, तो उनके लिए 10 लाख रखा गया. तो अभी फ्लो चार्ट दिया है सो इट विल इजी टू क्लियर कॉन्सेप्ट. रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी यस. पर्सन इज लोकेशन इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट नो. तो एग्रीगेट टर्नओवर मेरा रहेगा 20 लाख और उससे ज्यादा टैक्सेबल. करेक्ट. उसके बाद यस इधर छोटा रहेगा तो उसको लेना. तो 10 लाख और 20 लाख बेसिकली हम लोग 20 लाख के इस पे फोकस करेंगे. क्लियर. स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं जिसके बारे में हमने बोला कि 10 लाख का लिमिट रहने वाला है, तो अरुणाचल प्रदेश एपी आसाम जम्मू एंड कश्मीर. देखो जम्मू एंड कश्मीर को भी टैक्सेबल. मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड. तो ये स्पेशल स्टेट्स थे कि जिनके लिए 20 लाख की जगह पे यू हैव टू रिवर्ट 10 लाख. रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड रुपीज 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. इट मीन्स पर्सन लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर में एंजॉय द बेनिफिट ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख. This small business having turnover below the threshold limit can, however, voluntarily opt for registration. अभी ये point जो है, ये मेरे को लगता है basically practical life में ज़्यादा important है, जो मैं देखता हूँ daily. क्या होता है? Supply है taxable goods का, लेकिन limit तो जितना नहीं है, limit let's say लाख रुपए है, 2 लाख है, 3 लाख है, बट सामने वाला जो है वो कंपनी को कुछ गुड्स प्रोवाइड करता तो बोलते नहीं रजिस्ट्रेशन लगेगा, हमको क्रेडिट लेना पड़ेगा. तो इवन दो उसका टर्नओवर जो अफोर्सेड लिमिट से उससे कम है, फिर भी हैज टू टेक रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी. लेकिन आगे जाके वो कंप्लायंस करता है नहीं, ये बाकी की चीजें है. एडवांटेजेस मुझे नहीं लगता ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉलंटरी. जैसे मैंने बोला कि लीगल रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा, वो लगा के दे सकता है टैक्स, एग्रीगेट इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है. एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेस सप्लाइज एग्जम्प्ट सप्लाइज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और बोथ एंड इंटरस्टेट सप्लाइज ऑफ पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड
on India basis. देखिए, but exclude CGST, HGST taxes, unit retention और interest. In short, जो aggregate turnover का definition ऊपर दिया है, उसमें तुम्हारे आते हैं all taxable supplies, exempt supply, export supply, interstate supplies means महाराष्ट्र से गुजरात में गया वो having same pan. एक pan के अंदर ही अगर काम करते हैं तो सब का computation होगा. फिर इधर चार्ट फॉर्म में दिया है टू हैव एग्जैक्ट आइडिया. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में द टर्न विल बी कंप्यूटेड पैन वाइज. मैंने बोला एक पैन पकड़ने का, उसमें डिसाइड कर द पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म विल हैव डिफरेंट पैन नंबर. थस टर्नओवर ऑफ द पार्टनर एंड पार्टनरशिप फर्म विल नॉट बी एग्रीगेटेड. दोनों के अलग पैन नंबर है, तो पार्टनरशिप फर्म का अगर डिसाइड कर रहे तो पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर लेने का और डिसाइड करने का whether we are fulfilling 20 lakhs condition or not. The HUF and individual co-person of their family have different PAN numbers. Yes, turn off karta of HUF in his individual capacity and turn off karta as a karta of HUF will not be aggregated because dono person alag hai aur dono ke PAN number bhi alag. Supply goods after completion of job work by registered job worker shall be treated as a supply of goods by the principal refer to in section 143 of CGST Act 2017. The value of such goods shall not be included in the aggregate turnover of the registered worker. अभी जो principal जो ये रहता है बंदा, वो क्या करता है, कुछ process उसके यहाँ पे follow नहीं होती, तो वो जो goods है वो दूसरे job worker के पास देता है, और वो काम करके वापस वो goods ले लेता है. तो जो turnover रहेगा aggregate turnover, तो वो included होगा तो प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ गुड्स है उसके. फॉर एग्जांपल दिया है, मिस्टर जे हैज बीन इन्वॉल्व इन द सप्लाइंग टैक्सेबल मटेरियल इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस 1 जुलाई 2017. हिज टर्नओवर इन द मंथ ऑफ नवंबर 2017 एक्सीडेड द लिमिट 20 लाख. सो मिस्टर जे इज रिक्वायर्ड टू गेट द रजिस्टर टैक्सेबल टर्नओवर एक्सीड 20 लाख एंड देन सप्लाई शैल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द मंथ ऑफ नवंबर 2017 यस रिक्वायर्ड टू यस ये अलग दिए रजिस्ट्रेशन के लिए. एग्जांपल 3 लेते हैं. मिस्टर सी ऑफ Calcut is trading on his own goods and also acting as an agent of Mr. B of Bangalore. Mr. C turnover in the financial year 2017-18 is 12 lakhs in his own account and 9 lakhs on behalf of his principal. Whether C is liable to registration compulsory under GST? Important lagta hai mere ko agent ka case. As per explanation, one in computing the total turnover, there is a question. Both the value of supply on his own account that is 12 lakh and on behalf of his principal abhi agent ka decide kar rahe 9 lakhs will be aggregated. So, ye 12 plus 21 hence aggregate turnover 21 lakh ho gaya jo 20 lakhs ke upar hai isliye Mr. jo C hai barabar usko registration dena padega. Example 4, Mr. Rajan is a farmer with an annual turnover in relation farmer wala in relation to the agriculture of 18 lakhs since this income is agriculture related ha pure ka pura 18 lakh the turnover is exempt from the GST. However, agriculture logon ko exempt rakha GST aage aayega. Mr. Rajan also supplies plastic bag worth of rupees 250,000 which is taxable along with his crop and charges separately for this. तो मिस्टर राजन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या नहीं? ये उसके मिस्टर राजन इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी. क्यों भाई? बिकॉज हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख. ओ माय गॉड, तो गड़बड़ हो गया. टैक्सेबल जो गुड्स है वो 250,000 के थे लेकिन 8 लाख का जो एग्जम्प्टेड था बिकॉज एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन ये क्या हो गया, मिक्स कर दिया जाए क्योंकि वो प्लास्टिक के बैग क्यों यूज कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचने के लिए, इसलिए वो दोनों को ऐड करके लिमिट क्रॉस कर दिया. आईएमपी लगता है मेरे को थोड़ा हटके इस पर फोकस करो, इसको आईएमपी करो, लुक करो. एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स
a dealer dealing with intrastate supply of goods. Intrastate means within Maharashtra. And service has place of business in India. Furnish the following information in the financial year 2017-18. First, sale of taxable goods by head office located in Chennai for rupees 1 lakh. Second, supply of taxable service by branch office at Bengaluru for 50,000. Third, supply of goods exempted from GST rupees 10,000. Fourth, export of goods and services for rupees 2 lakhs. Fifth, sale of goods acting as an agent on behalf of principal